है। स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, हर पॉइंट किसी क्वेश्चन का आंसर है। पहले नंबर पे लिखा है एपिफिटिक ब्रायोफाइट, इसका एग्जाम्पल एक तरफ लिखा है जिसका नाम है डेंड्रोसिरॉस। दूसरे पॉइंट पे लिखा है फॉसिल ब्रायोफाइट, इसके दो एग्जाम्पल लिखे हैं हिपेटिसाइटिस और नैया डीटा। तीसरे पॉइंट पे लिखा है टालेस्ट ब्रायोफाइट, आंसर है इसका डाउसोनिया और लेंथ है 50 से 70 सेंटीमीटर। अगला पॉइंट लिखा है स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट, आंसर है जूओप्सिस, ये इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा। ब्रायोफाइट्स को कॉमनली एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। वैसे तो यह टेरेस्ट्रियल प्लांट है लेकिन इसकी जिंदगी तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि पानी अवेलेबल ना हो। क्यों? वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर ऑल ब्रायोफाइट्स, सभी ब्रायोफाइट के जीवन में पानी निषेचन की क्रिया के लिए जरूरी है। कारण इसका मेल गैमिट एंथ्रोजॉइड होता है जो सदैव बाईफ्लैजेलेटेड होता है। ठीक, और भी कुछ बिंदु जानिए। इसकी जो बॉडी है वो थायलॉइड होती है। थायलॉइड का मतलब समझ गए हैं, पहले से पढ़ा रहे हैं आपको फंगस पढ़ाते हुए ही, कि इसकी शरीर रूट लीफ और स्टेम में विभाजित नहीं होगी, यानी ब्रायोफाइट में जड़ तना पत्ती नहीं पाया जाता। यदि थायलॉइड नहीं होगा तो क्या होगा? ये फोलियोज होगा, लीफ लाइक दिखेगा, ऐसा होगा, लीफ नहीं होगा, लीफ लाइक होगा। इनका थैलस कैसा होता है ये भी हम यहां बता दें। थैलस इज डाइकोटोमसली, लिख रहे हैं थैलस इज डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। एंड बियर्स यूनिसेलुलर, एक सेल का बना हुआ स्मूथ और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। ये थैलस की पहचान होगी कि ये डाइकोटमोसली ब्रांच होगा। डाइकोटमोसली ब्रांच का मतलब हर बार थैलस की ब्रांचिंग दो दो की होगी, ऐसे जैसा हमने डायग्राम में बनाया आपके सामने इस तरह से। कुछ और पॉइंट्स जानिए। अगला सवाल है जीरोफिटिक ब्रायोफाइट, ये मॉइस्ट प्लेस पे पाया जाता है। फिर भी एक सवाल आया कि ड्राइट कंडीशन में पाए जाने वाला, जीरोफिटिक कंडीशन में पाए जाने वाला ब्रायोफाइट का नाम बताना है, और वह नाम है पॉलीट्राइकम, PolyTricum, पॉलीट्राइकम। और इसकी स्पीसीज है जूनी पेरम, PERUM। इसके अलावा भी एक एग्जाम्पल है, उसका नाम है टार्टुला डिजर्टस। अब आगे का पॉइंट है, ये सामान्य गुण थे कि ब्रायोफाइट में सामान्यतः रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कैसी है, इसको भी बता दूं। ब्रायोफाइट में पावर ऑफ रीजनरेशन पाया जाता है, जैसा कि आप एनिमल किंगडम में हाइड्रा में पढ़े।
और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता है, और इस रिप्रोडक्शन के ढेर सारे ढंग होंगे, जैसे बाई एडवेंटिटियस ब्रांच, सहयोगी ब्रांच बनेगी और वह डिटैच होकर नया ब रायोफाइट बना लेगा। दूसरा ढंग है बाई डेथ, प्रोग्रेसिव डेथ, डेथ एंड डीके, थैलस एक तरफ से नष्ट होगा और दूसरी तरफ से ग्रो कर जाएगा। तीसरा है बाई जेमी, जेमी एक स्ट्रक्चर है, बड़े जैसा स्ट्रक्चर है, और जिस ब्रायोफाइट में ऐसा पाया गया है रिप्रोडक्शन के लिए, उसका नाम मार्केंसिया है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। पूछा जाता है कि मार्केंसिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, आंसर है जेमी के द्वारा। और उल्टा भी पूछा गया है कि जेमी के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस ब्रायोफाइट में होता है, आपका आंसर है मार्केंसिया में होता है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर बनते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए, ट्यूब लाइक बनेगा, ट्यूबर बोलेंगे, बाई ट्यूबर, बाई बल्बिल, ऐसा, और बाई प्रोटोनिमा। ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है कि प्रोटोनिमा के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होता है, आपको आंसर याद रखना है। और हम यहाँ आंसर लिख रहे हैं फुनेरिया में और स्फेग्नम में। ये दोनों आंसर आपको याद रखने हैं। राजपाल सिंह सर, एक्वेटिक बता दो। बेटा परसों क्लास में हम शायद बताए हैं ब्रायोफाइट एक्वेटिक तीन हैं, एक को बोलते हैं रिक्सियो कार्पस, एक को बोलते हैं रिगेला। आप यदि स्क्रीन पे जाएं पहले के, तो वो आपको आंसर में भी दिख जाएगा। देखिए, एक है रिक्सिया फ्लुइटेंस, दूसरा है रिक्सियो कार्पस और तीसरा है रिगेला। ये तीन एक्वेटिक ब्रायोफाइट हैं, और इसमें से वह ब्रायोफाइट जिसके लाइफ साइकिल का सारा स्टेप पानी में ही होता है, तो वह आंसर है रिएला। राजपाल, मुझे अनुमान है कि आप आंसर जान गए। कुछ और भी पूछे हैं आप सर, एक्वेटिक बता दो। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट जानने के लिए जूली गर्ग, इवनिंग सर, ठीक भैया, गुड इवनिंग। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट क्या है, उसको जानने के लिए आपको क्लास में बने रहना पड़ेगा। अब उताओ मत, आज तक तो उतारते हुए ही पहुंचे हो बेटा, इसलिए अब उताओ मत। जितना बता रहा हूं उतना सुनने की कम से कम धैर्य रखो। हाँ, हमें मालूम है कि आप एग्जाम क्यों देते हैं, ये भी मालूम है कि क्यों पढ़ना चाहते हैं, मुझे भी मालूम है कि आपको क्या नहीं आता। मैं उसका अनुमान आप लोगों की बात व्यवहार से समझ लेता हूं, वेट करें बस। ठीक, ये तो रहा बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ब्रायोफाइट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सदैव ऊगेमस्टाइक, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस हो सकता है, एन आइसोगैमस हो सकता है और टू गैमस हो सकता है। आइसोगैमस वो होता है जिसमें गैमिट समान होते हैं, एन आइसोगैमस वो होता है जिसमें गैमिट असमान होते हैं, और टू गैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें फीमेल गैमिट अपने मदर प्लेस पे रहती है और साइज में बड़ी, साथ में नॉन मोटाइल होती है। ध्यान से सुनो जो बोल रहे हैं, फीमेल गैमिट जब अपने मदर प्लेस पे हो, यानी ओगोनियम में, एग जो है अपने स्ट्रक्चर जहां बना हो वहीं पड़ा हो, एग कहां बनेगा ये हम समझाने वाले हैं आपको, और वह साइज में मेल गैमिट से बड़ा हो, और तीसरा उसमें चलने की क्षमता न हो। जब उसमें चलने की नहीं क्षमता होगी तो अपने आप तय हो गया कि उसके पास फर्टिलाइजेशन करने के लिए मेल गैमिट को ही आना पड़ेगा। यानी जब ओगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मेल गैमिट
मोटाइल होगा, फ्लेजिलेटेड होगा, जिससे चल सके, और उसको फ्लेजिला को चलाने के लिए पानी की जरूरत होती है। इसीलिए हमने बोला कि ब्रायोफाइट कोई भी ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी बिना पानी की पूर्ण हो सके। वैसे हम ब्रायोफाइट को टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, लेकिन जिंदगी पूर्ण करने के लिए पानी की जरूरत है, यानी दोनों जरूरत हो गई। और यही कारण है कि इनको हम लोग प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहते हैं। तो हमें अनुमान है कि आप ओगैमस समझ गए होंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्स आर्गन भी चाहिए। सेक्स आर्गन जो मेल होता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रिडियम। एंथ्रिडियम में बनेगा एंथ्रोजॉइट्स। एंथ्रोजॉइट सदैव बाइफ्लेजिलेटेड होते हैं सभी के, ये गारंटी है। बाई फ्लेजी लेटेड, हम ज्यादा वर्ड लिख दिए हैं, मिटा देते हैं। और यही एंथ्रोजॉइट मेल गैमिट है, दो फ्लेजिला होंगे। एंथ्रोजॉइट कहां बनेगा? एंथ्रिडियम में बनेगा। एंथ्रिडियम क्या है? मेल सेक्स आर्गन है। अब आया फीमेल सेक्स आर्गन। फीमेल सेक्स आर्गन को ब्रायोफाइट में आर्किगोनिया कहते हैं। आर्किगोनियम प्लूरल को कहते हैं, आर्किगोनिया सिंगुलर को कहते हैं। आर्किगोनिया में जो स्ट्रक्चर है हम बना के आपको दिखा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर होता है। इसके टिप पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और ये लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग नेक। नीचे सोलन बेस होता है, ये है फूला हुआ, यानी सोलन बेस ऑफ आर्किगोनिया को हम लोग वेंटर कहते हैं। विंटर के अंदर एग सेल होती है और एग ही फीमेल गैमिट है। यह एंथ्रोजॉइड पानी में तैरते हुए इस नेक के पास आएगा। नेक के बाहर जो कोशिकाएं लगी होती हैं हम बना के दिखा रहे हैं आपको, इनको हम लोग बोलते हैं नेक सेल्स। अब ये नेक सेल्स इस नेक ट्यूब जैसी जो संरचना है इसके चारों तरफ होंगी। ये 4 रो में हो सकती हैं, 6 रो में हो सकती हैं, 8 रो में हो सकती हैं। अलग अलग ब्रायोफाइट में नेक सेल्स अलग अलग संख्या के रो यानी कतार में। कुछ कोशिकाएं ऐसी होंगी जो इस नेक को अंदर से बांटने का प्रयास करेंगी, जो हमारा कर्सर इस समय काम कर रहा है, और इन कोशिकाओं को नेक कैनाल सेल कहते हैं। नेक कैनाल सेल के नीचे वेंटर है और वेंटर में ऊपर जो सेल होती है उसको हम वेंटर कैनाल सेल कहते हैं, और नीचे वाली सेल को एग सेल या इसी को फीमेल गैमिट कहते हैं, ठीक। सेक्स आर्गन कहाँ डेवलप होगा? गैमिटोफाइट पे, याद रखना है। अभी राजपाल ने एक शब्द लिखा था गैमिटोफाइट, अब ध्यान से उस उन्हीं के बहाने सब लोग सुन लो। जीवन का वह शरीर जिसपे गैमिट बने उनको गैमिटोफाइट कहते हैं। अंग्रेजी में सुन लो, द प्लांट विच बियर्स गैमिट आर कॉल्ड गैमिटोफाइट। पौधा जो गैमिट धारण करे उसको गैमिटोफाइट कहते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, एंथ्रिडियम एंथ्रोजॉइड मेल गैमिट है, एक फीमेल गैमिट है, तो गैमिट कहां बने? एंथ्रिडियम और आर्किगोनियम में। एंथ्रिडियम क्या था? मेल सेक्स आर्गन। आर्किगोनियम क्या था? फीमेल सेक्स आर्गन। और ये सेक्स आर्गन गैमिट बनाने के लिए हैं, इसलिए जिस थैलस पे बनेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? गैमिटोफाइट। और ये हेप्लॉयड होगा। अब हेप्लॉयड होने का मतलब समझ लीजिए,
यानी एंथ्रोजॉइट बनाने के लिए एंथ्रिडियम की कोशिका को मियोसिस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एंथ्रिडियम की भी सेल हैप्लॉयड, आर्किगोनियम की भी सेल हैप्लॉयड, एग भी हैप्लॉयड और एंथ्रोजॉइट भी हैप्लॉयड, यानी कहीं भी मियोसिस कराने की जरूरत गैमिट बनाने के लिए नहीं पड़ी। ये बात समझ गए? समझ गए होंगे। अब आगे का पॉइंट समझ गए तो हाँ ना लिखो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आके। ये सेक्स आर्गन की बात, गैमेटोफाइट की बात जो हम समझाए, यदि आपको समझ में आ गया हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आके लिखो। लिखो बेटा, गौतम, राजपाल, ज्योति, सरिता, सीलम, करुणेश, जूली, मंजुलिका, सभी लोग हैं, बोलो बेटा। ठीक, आगे का हम समझा रहे हैं। आगे का समझिएगा, ये है एक एंथ्रिडियम। यहां ध्यान रखना है कि जब भी एंथ्रिडियम बनेगा तो वहां एक डंठल होगा, ये है एंथ्रिडिया की कवर, और ये कवर गैमिट नहीं बनाएगी, कवर को बोलते हैं जैकेट, और रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाली सेल नहीं बनाएगी तो बोलेंगे स्टराइल जैकेट। बिल्कुल ध्यान से सुनो, एल्गी के केस में सेक्स आर्गन यूनिसेलुलर होता है, यदि वो मल्टीसेलुलर होंगे तो उनकी सारी कोशिका रिप्रोडक्शन में भाग लेगी, यानी सभी कोशिका गैमिट में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ब्रायोफाइट में अंतर समझो, ब्रायोफाइट का सेक्स आर्गन कभी भी यूनिसेलुलर नहीं होता, क्यों? सारे ब्रायोफाइट मल्टीसेलुलर हैं और इनका सेक्स आर्गन स्टराइल सेल से कवर रहता है, इसी को तो हम बोल रहे हैं स्टराइल जैकेट, इसको बोलेंगे एंथ्रिडियल वॉल, एंथ्रिडियल वॉल, और एक स्टाक, और इसके अंदर एंथ्रोजॉइट। ठीक, ये क्या है बेटा एंथ्रोजॉइट? ये कैसे हैं? बाइफ्लैजिलेटेड। इनको तैरने के लिए क्या चाहिए? वाटर। अब आपको हमने आर्किगोनियम की बात बताई थी, ये वेंटर कैनाल सेल, अंदर जो है नेक कैनाल सेल है, नेक कैनाल के बाहर जो सेल होती है उसको नेक सेल बोलते हैं। ये कंप्लीट हम आर्किगोनिया बना रहे हैं, आप डायग्राम से ही समझ लेंगे, बार बार लिखना ठीक नहीं। ये जो नेक कैनाल सेल होती है ये वीसीसी है और ये एग है, एग हैप्लॉयड है, एंथ्रोजॉइड हैप्लॉयड है, तो ये एंथ्रोजॉइड मूव करते हुए यहां तक आएगा, ये यहां तक मूव करते हुए पानी के सहारे आएगा। क्यों आएगा? यहीं पे क्यों आएगा? इसका भी जवाब, ये एनसीसी मैच्योर होने पर एक केमिकल निकालेगी, केमिकल का नाम है सुगर। इस केमिकल के आकर्षण में एंथ्रोजॉइड आएगा और इस तरह के मूवमेंट को केमो टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। एग्जाम में आएगा कि ब्रायोफाइट में एंथ्रोजॉइड का आर्किगोनियम के पास जाना किस प्रकार का मूवमेंट कहलाता है, तो आपका आंसर है केमो टैक्टिक मूवमेंट। कोई दूसरा पलट के पूछे केमोटैक्टिक मूवमेंट क्या है, तो आपका आंसर है मूवमेंट ऑफ एंथ्रोजॉइड टुवर्ड्स नेक ऑफ मैच्योर आर्किगोनियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल सिक्रीटेड फ्रॉम डीजनरेटिंग एनसीसी। वो केमिकल कहाँ से आया? एनसीसी से आया। एनसीसी इस कैनाल नेक के अंदर की सेल थी और जो ही यह नष्ट हुई थी ये केमिकल निकला, नष्ट होते ही अंदर एक रास्ता बन गया जिससे कि यह एंथ्रोजॉइड अंदर घुस जाए, और घुसते ही वो किसके पास पहुंच जाएगा? एग से, और इस एंथ्रोजॉइड का यानी एन का किससे बेटा? एग से, यानी यह भी एन से, फ्यूजन यानी क्या होगा? फर्टिलाइजेशन।
किसके प्रेजेंस में होगा? वाटर के, और इससे जो सेल बनेगी उसको बोलेंगे जाइगोट, और जाइगोट क्या होगा? 2N, क्या होगा बेटा? 2N, और जाइगोट इज फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, पहली सेल स्पोरोफाइट की क्या होती है? जाइगोट। अब आया स्पोरोफाइट टर्म, अभी टर्म क्या था? गैमेटोफाइट। ये आर्गन कहां बने थे? गैमेटोफाइट पे। स्पोरोफाइट पे क्या बनेगा? स्पोर। वह पौधा जिसपे स्पोर बने उसको स्पोरोफाइट, वह पौधा जिसपे गैमेट बने उसको गैमेटोफाइट। क्लियर? स्पोरोफाइट की जिंदगी की पहली सेल कौन होती है? जाइगोट। जाइगोट किसका परिणाम है? फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन किसके बीच होगा? एंथ्रोजॉइड और एक के बीच। एंथ्रोजॉइड कैसा होता है? बाइफ्लेजिलेट। एंथ्रोजॉइड को मूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए? वाटर। यानी फर्टिलाइजेशन किसके प्रेजेंस में होगा? वाटर के। एंथ्रोजॉइड आर्किगोनिया की ही तरफ क्यों मूव करती है? एक केमिकल के प्रभाव से मूव करती है। वह केमिकल कहां से आता है? एनसीसी और वीसीसी के कोशिकाओं के नष्ट होने से आता है। फर्टिलाइजेशन कहां होगा? विंटर में, अंदर। जहां एक बना वही फर्टिलाइजेशन हुआ, एक सेल जहां बनी वही फर्टिलाइज हुई, एट मदर प्लेस। इसका मतलब मूवमेंट कौन किया? एंथ्रोजॉइट। इस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? ओगैमस। ओगैमस मोस्ट एडवांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब आपको दिमाग में बैठाना है जो बोल रहा हूं। सभी ब्रायोफाइट, ध्यान से सुनना बच्चा, सभी ब्रायोफाइट, सभी टेरिडोफाइट, सभी जिम्नोस्पर्म और सभी एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस होता है। यानी फर्टिलाइजेशन एग का वही होगा जहां वो बनेगी, वह कहीं भी मूवमेंट करके नहीं जाती। ध्यान रखना है, मूवमेंट करने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? मेल। बारात पुरुष लेकर जाता है, ठीक है ना? ऐसे ही समझ लो, उसी इसी पौधों की गति से इंसानों ने अपने जीवन को संवारा है। वैसे कुछ समाज ऐसे भी हैं जैसे थाईलैंड और कई दूसरे देशों में, भारत में भी, नॉर्थ ईस्ट में, जहां पे लड़का बारात लेके न जाके लड़की ही बारात लेके आ जाती, ऐसी भी व्यवस्था जीवन में है। अभी आप ये बताइए, फर्टिलाइजेशन तक की व्यवस्था आप समझ गए या नहीं? जल्दी बताओ तो मैं आगे की बात बताऊं। स्पोरोफाइट बनना शुरू जहां से होगा, जाइगोट, वहां तक की व्यवस्था आप समझ गए या नहीं? बोलिए, अभी मैं जो क्लियर किया ये आपको समझ में, आप सबको समझ में आया? ठीक, अब आगे का बहुत ध्यान दीजिएगा। आगे, इसके आगे हम बढ़ रहे हैं। फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, जान गए। एंथ्रोजॉइड के मूवमेंट के लिए केमिकल चाहिए, केमिकल कहां से आया? एनसीसी और वीसीसी के नष्ट होने से आया। इससे संबंधित आप जान गए कि जो जाइगोट है वह डाइप्लॉयड है, और यही फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट के बेटा तीन भाग होंगे। सबसे नीचे वाला भाग फुट कहलाएगा, गर्दन उसका सीटा कहलाएगा, और ऊपर वाला भाग कैप्सूल कहलाएगा। कैप्सूल में स्पोरेंजियम होगा और वहां स्पोर बनेगा। कैप्सूल में स्पोर बनाने के लिए मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन होगा, यानी स्पोर हैप्लॉयड होगा, और यह स्पोर ही फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट होगा। देख लीजिए हमने क्या से क्या समझाया। अभी हमने बताया कि फर्टिलाइजेशन होने पे जाइगोट बना। जाइगोट डाइप्लॉयड है, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है, और यह पहली सेल स्पोरोफाइट की होती है। स्पोरोफाइट जब डेवलप होगा तो उसके अंदर तीन चीजें होंगी। निचला हिस्सा जो गैमेटोफाइट में धसा रहता है उसको फुट कहते हैं।
जो उसके ऊपर का हिस्सा होता है उसको सीटा कहते हैं, और जो सबसे ऊपर का भाग होगा उसको कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल में स्पोरेंजियम होगा, स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल होगा, उस स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होगा और उससे स्पोर बनेगा, और रिडक्शन डिवीजन के से बनेगा इसलिए हैप्लॉयड होगा। और यही हैप्लॉयड सेल पहली सेल होती है गैमेटोफाइट की, जो कि हैप्लॉयड है। यानी आपने देखा कि गैमेटोफाइट से गैमेट बना, गैमेट के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, जाइगोट से स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट से कैप्सूल बना, कैप्सूल से फिर स्पोर बना, और स्पोर से फिर गैमेटोफाइट बना। यानी एक तरह से एक के बाद एक जीवन का भाग आया गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, और इसी बात को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट, यहां ध्यान रखना है एल्गी में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता। हम अंतर बता रहे हैं अब, एल्गी में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता, और यदि होता भी है तो उसका गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट देखने में एक जैसे होते हैं। इस व्यवस्था को होमोमार्फिक कहते हैं, समान हो तो होमो, रूप के रूप को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं मार्फोलॉजी। तो ऐसा जीवन चक्र होमोमार्फिक, लेकिन ब्रायोफाइट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हेटरोमार्फिक होता है। हेटरो मार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा किसमें? ब्रायोफाइट में। और यदि यह कैसा है बेटा? होमो मार्फिक, तो समझिए किसकी बात हो रही है, एल्गी की। यानी सिर्फ इसी शब्द से हम एल्गी और ब्रायोफाइट को अलग कर लेंगे। जिसका स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट देखने में समान हो, उसके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम होमोमार्फिक बोलते हैं, उदाहरण एल्गी। जिसका गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट देखने में असमान हो, उसके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हेट्रो, हेट्रो माने डिफरेंट, हेट्रोमार्फिक बोलते हैं। और इसका उदाहरण ब्रायोफाइट भी है, टेरिडोफाइट भी है। ब्रायोफाइट प्लस आगे पढ़ाऊंगा, टेरिडोफाइट भी है। करुणेश राजपूत सर, कैमरा थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया, ऊपर वाला दिखता नहीं। एक मिनट। अच्छा बेटा, कैमरा नहीं बढ़ेगा, हम थोड़ा नीचे ही लिख देंगे, परेशान ना हो, और सुनोगे तो देखना भी नहीं पड़ेगा। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ब्रायोफाइट का कैसा होगा? हेट्रोमार्फिक। क्यों हेट्रोमार्फिक बोलेंगे? क्योंकि इसका गैमेटोफाइट थैलॉयड है, इसका स्पोरोफाइट उस पर डिपेंडेंट है। ये भी याद रखना है, स्पोरोफाइट जो बन के तैयार हो रहा है फूट सीटा कैप्सूल में, पार्शियली, पार्शियली मतलब आंशिक रूप पे डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन किस पे? गैमेटोफाइट। इसका स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे निर्भर होता है। एक और बात, ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमो स्पोरस। होमो स्पोरस का मतलब स्पोर्स देखने में सारे के सारे एक जैसे होंगे, समान होंगे। स्पोर्स आर सिमिलर, इस सिचुएशन को बोलेंगे होमो स्पोरस। बात समझ रहे हैं? स्पोर सारे के सारे एक समान होंगे, जैसे सारे के सारे एंथ्रोजोआइड डाइफ्लैजेलेटेड होते हैं, ब्रायोफाइट के फिक्स करेक्टर हैं। कुछ और गुण हैं हम बताते हैं आपको। यह जो जाइगोट बना था बेटा, यही आगे चलकर किस में बदलता है? इम्ब्रियो में। और यही आगे चलकर किस में बदलता है? स्पोरोफाइट में। यानी इम्ब्रियो बनने के कारण ब्रायोफाइट को मेंबर ऑफ इम्ब्रियोफाइटा कहते हैं, और इसके इम्ब्रियो का नेचर भी हम बताएंगे, एक्जोस्कोपिक होता है। याद रखिएगा, होमोस्पोरस जब जब सिचुएशन होती है
तो इग्जोस्कोपिक इम्ब्रियो बनते हैं। अब आपको जानना है कि सर ये इग्जोस्कोपिक क्या होता है, ये भी बता दूं। इग्जोस्कोपिक तब बोलते हैं जब इम्ब्रियो टिप डायरेक्टेड टुवर्ड्स टिप ऑफ आर्किगोनियम, आर्किगोनियम के टिप की तरफ जब इम्ब्रियो का टिप हो तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इग्जोस्कोपिक। वैसे हमने साथ में क्या सिखाया, जब जब होमोस्पोरस कंडीशन होगी तब तब इम्ब्रियो का डेवलपमेंट इग्जोस्कोपिक होगा, जब जब हेटरोस्पोरस कंडीशन होगी यानी जब स्पोर विभिन्न आकार के हों छोटे और बड़े यानी माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर की सिचुएशन आ जाए तब तब इम्ब्रियो का डेवलपमेंट इंडोस्कोपिक होगा। ये पॉइंट दिमाग में बैठाना है। ये भी बैठा लेना है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ब्रायोफाइट का कैसा था, हेटरोमार्फिक। दूसरी बात हमने साथ में क्या सिखाया था कि जब कभी एल्गी में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा तो उसके गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में मार्फोलॉजी यानी रूप में अंतर नहीं होगा और इस सिचुएशन को होमोमार्फिक कहते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, एल्गी में यदि अल्टर, यदि बोलना है जरूरी नहीं, यदि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है तो वह सदैव होमोमार्फिक होगा। क्लियर? सभी ब्रायोफाइट के सारे स्पोर एक समान होते हैं और इस स्थिति को होमोस्पोरस कहा जाता है। अब आता है क्लासिफिकेशन, बहुत ही साधारण है इनका क्लासिफिकेशन। ब्रायोफाइट को डिवीजन माना गया, प्लांट किंगडम का ब्रायोफाइट डिवीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइट। इस डिवीजन के तीन क्लास होते हैं, थ्री क्लासेस। एक क्लास को बोलते हैं हम लोग हिपैटी कोप्सिडा, दूसरे को हम लोग बोलते हैं एंथोसिरोटोप्सिडा, एंथो सिरेटोप्सिडा, और तीसरे को बोलते हैं ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा का ही एक और नाम है मसाई, MUSCI। हिपैटिकोप्सिडा के चार आर्डर हैं, ये आर्डर हैं। पहले आर्डर को बोलते हैं मार्केंसियल्स, दूसरे आर्डर को बोलते हैं हम लोग जंजर मैनियल्स, JUNGER, MANIALES। तीसरे आर्डर का नाम है कैलोब्रियल्स, CALOBRYALES। और चौथे और अंतिम को बोलते हैं स्फेरोकार्पेल्स, स्फेरोकार्पेल्स। एंथो सिरोटोप्सिडा का एक ही आर्डर है और उसको बोलते हैं एंथो सिरेटेल्स। ब्रायोप्सिडा के तीन आर्डर हैं, एक आर्डर का नाम है स्फेगनेल्स, दूसरे आर्डर का नाम है एंड्रियल्स और तीसरे आर्डर का नाम है ब्रायल्स। तो ये बड़ा ही सिंपल क्लासिफिकेशन है डिवीजन से लेके आर्डर तक। अब हम आपको बताएं आपके एग्जाम के लिए कुछ ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल जानना बहुत जरूरी है। क्लियर? कुछ ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल जानना बहुत ही जरूरी। अब यहां पे एक बात हम और समझा दें, जो हिपैटिकोप्सिडा है
इसी को कॉमनली लीवर वर्ड कहते हैं, याद रखिएगा। या हम इधर ही लिख सकते हैं, ये जो हिपेटिक ऑप्सिडा है इसको लीवर वर्ड, एंथोसेरोप्टिसिडा को हॉर्न वर्ड कहते हैं, हम उसको आगे लिख देंगे। और इसके जो मेंबर हैं आपको याद रखने के लिए, उसमें से एक का नाम है रिक्सिया और एक का नाम है मार्केंसिया। और इन दोनों की विशेषता जो एग्जाम में पूछी जाती है वो याद रखना है। ब्लफरिंग हो रहा है बेटा, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे यहाँ वाईफाई ठीक से काम कर रहा है, आपका नेट अपलोड नहीं कर पा रहा होगा वीडियो को, इसलिए ब्लफरिंग हो रही है। आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी सीलम, और कोई बात नहीं है, मेरे यहाँ ठीक है, तभी तो हम लिख पा रहे हैं, नहीं तो हम लिख ही नहीं पाएंगे। हाँ, अब हम एक एक करके आपको समझाते हैं, रिक्सिया के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम आपको बता देते हैं, जो कम से कम आपको याद ही रखना है एग्जाम में। हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत ही कम पढ़ा रहे हैं। रिक्सिया का थैलस रोजेट शेप्ड होता है, मिनिमम पॉइंट बता रहे हैं। इसका जो डार्सल सरफेस होता है, थैलस का जो डार्सल सरफेस होगा उसमें क्लोरोफिल होगी और वह फोटो सिंथेटिक होगा, यानी खाना बनाएगा। जो इसका वेंट्रल सरफेस होगा, यानी जो जमीन की तरफ होगा, वह खाना न बनाकर वह खाना इकट्ठा करेगा। और समझिए, जो इसका एंथ्रिडियम है उसका शेप पियर शेप होगा। इसमें इसके नेक में चार नेक कैनाल सेल होंगी। इसके स्पोरोफाइट में नौ फुट और सीटा नहीं होगा, ओनली कैप्सूल होगा, यानी यह सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट होगा ब्रायोफाइट का। इसकी स्पोर मदर सेल के साथ साथ स्पोरेंजियम में नर्स सेल भी, NURSE, नर्स सेल्स भी। एक पॉइंट और है जो हमको लिखना है, अगले पेज पे जा रहा है, इसका आर्के स्पोरियम इंडोथिशियल इन ओरिजिन, अब आपको ये समझ में नहीं आया कि आर्के स्पोरियम क्या है, बताते बेटा। आपने नाम एनाटॉमी पढ़ते हुए मेरिस्टम का सुना है, मेरिस्टम वो टिश्यू होता है जो डिवीजन करके ग्रोथ कराता है, वह टिश्यू जिसमें डिवीजन करने से रिप्रोडक्शन हो उसको आर्के स्पोरियम कहते हैं। यानी आर्के स्पोरियम क्या है, डिवाइडिंग रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये सोमेटिक सेल नहीं है, कैसी सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल्स। इसके अलावा जितने गुण हमने आपको सिखाए ब्रायोफाइट कॉमन पढ़ाते हुए, वो सारे गुण यहां लागू होंगे। ये गुण जो बताए ये रिक्सिया के विशेष तौर पे थे, क्लियर हो लीजिएगा। अब हम आपको अगला एक और हिपेटिक ऑप्सिडा के मेंबर का कैरेक्टर बताएंगे, जिसका नाम है मार्केंसिया। मार्केंसिया के थैलस में डिस्टिंक्ट मिडरिब होगी,
इस डिस्टिंक्ट मिडरिब का मतलब समझ लीजिए, ये एक थैलस है और ये बीच का लाइन अस्पष्ट दिखेगा। इसका जो राइजॉइड है ये दो प्रकार का होगा, एक को बोलेंगे स्मूथ, एक को बोलेंगे हम लोग ट्यूबरकुलेटेड। लेकिन ये यूनिसेलुलर ही होगा। स्मूथ होगा तो कैसा होगा देखने में? ऐसा। ट्यूबरकुलेटेड होगा तो कैसा होगा देखने में? ऐसा। अगली विशेषता जानिए, इसके अंदर स्केल्स होंगी और दो प्रकार की होंगी, एक को बोलेंगे लिगुलेट, जिह्वा आकार को बोलते हैं, जीभ जैसा हो कोई चीज तो उसको लिगुलेट बोलते हैं, टंग लाइक। और इसके दो रो होंगे, आउटर एंड मिडिल रो। दूसरे को बोलते हैं अपेंडिकुलेट। अपेंडिकुलेट वह स्केल होगी जो कामा शेप्ड होगी, अपेंडिक टाइप का होगी, कामा शेप्ड होगी, और यह कौन सा रो बनाएगी? इनर रो। इसका मतलब स्केल कितने रो के होंगे? थ्री रोज, दो रो लिगुलेट और एक रो अपेंडिकुलेट। यह डायोसियस होता है, यानी मेल थैलस अलग, डायोसियस थैलस का मतलब है मेल अलग और फीमेल अलग, अलग अलग होंगे। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर से होता है, बाई जेमी, याद रखना है इसको। इसका जो एंथ्रिडियम है उसका डंठल लंबा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रिडियो फोर, और यह एट लोब्ड होगा, इसका टिप जो होगा 8 लोब का होगा। एंथ्रीडियम जो होगा इसका वह ओवल शेप का होगा, जबकि रिक्सिया में एंथ्रीडियम पियर शेप्ड था, ओवल शेप्ड का यहां होगा। एक और गुण, इसके आर्की गुनिया में 8 NCC होंगे, जबकि रिक्सिया में 4 थे। इसके पास एंथ्रिडियम के बीच एक विशेष प्रकार की लीफ होती है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकीटियम। पेरिकीटियम प्रेजेंट होता है एंथ्रिडियम में, सॉरी आर्की गुनियम में, साथ में स्पोर के साथ इलेटर्स भी पाए जाते हैं और ये डाइप्लॉयड होते हैं। इनका काम हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स के डिस्पर्सल में ये हेल्प करते हैं। इंडोथीसियल एक्सप्लेन कर दो सर, जूली ने पूछा है, सुन लो आंसर। जिस तरह से एनिमल में इम्ब्रियोनिक लेयर होती है, जिसके आधार पे आप बोलते हो कि यह, जैसे आप बोलते हैं कि बोन की ओरिजिन कहां से होती है, न्यूरॉन्स या ब्लड की ओरिजिन कहां से होती है, किस इम्ब्रियोनिक लेयर से होती है, ऐसा आप बोलते हो, ठीक उसी के पैटर्न पे प्लांट में जर्मिनल लेयर आप पढ़े होंगे एनिमल में, तो यहां भी जर्मिनल लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं इंडोथीसियल, एक्सोथीसियम, और दोनों मिल जाए तो एम्फीथीसियम। यानी ये जो रिप्रोडक्टिव सेल है
वह अपनी ओरिजिन में अंदर की तरफ है, इसको बोलेंगे इंडोथिशियल। यदि वो बाहर की तरफ हो तो इग्जोथिशियल, और यदि दोनों बाहर और अंदर दोनों की कोशिकाएं रिप्रोडक्शन में भाग लें रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाने के लिए तो उसको हम बोलेंगे एम्फीथिशियल, ठीक ना। अभी ये जो कैरेक्टर हमने सामने लिखे हैं स्क्रीन पे, ये मार्केंसिया का है। मार्केंसिया का थैलस में डिस्टिंक्ट मिडरिब होगी, ये दिख रहा है। इसके राइजॉइड यूनिसेलुलर तो होते हैं लेकिन दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ और ट्यूबरकुलेटेड, दोनों के डायग्राम बने हुए हैं। इनकी स्केल थैलस पे तीन रो में होती है, लिगुलेट और एपेंडिकुलेट। लिगुलेट दो रो बनाता है, आउटर और मिडिल, एपेंडिकुलेट इनर रो बनाता है। और इसका काम क्या है, थैलस को मॉइस्ट रखना, नमी बना के रखना। स्केल के अंदर कैपिलरीज बन जाती हैं जिससे वो नमी को मेंटेन रखता है। इसका थैलस डायसियस होता है, यानी मेल थैलस अलग होगा और फीमेल थैलस अलग होगा, जबकि रिक्सिया में मोनोसियस है, एक ही थैलस पे मेल भी होगा फीमेल भी होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर से होता है जिसका नाम जेमी है। इसका एंथ्रिडियम एक डंठल पे होता है, उसको एंथ्रिडियोफोर कहते हैं, जो 8 लोब का होता है और एंथ्रिडियम का शेप ओवल शेप है, जबकि ब्रायोफाइट सॉरी रिक्सिया में पियर शेप था और वहां कोई एंथ्रिडियोफोर नहीं था। रिक्सिया में 4 एनसीसी होते हैं, मार्केंसिया में 8। रिक्सिया में कोई पेरिकीटियम प्रेजेंट नहीं होता, मार्केंसिया में प्रेजेंट होता है। रिक्सिया में इलेटर्स नहीं होते थे, नर्स सेल्स थी। इलेटर्स डाइप्लॉयड होते हैं और स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, ठीक। ये तो रहा मार्केंसिया, इसके पहले हमने पढ़ाया रिक्सिया। अब आप लोग बताओ, आपको रिक्सिया मार्केंसिया समझ में आया? ये दोनों मेंबर किसके थे, हिपेटिकोप्सिडा के, जो पहला क्लास था। बोलो बेटा समझ में आया?